ढाई महीने से बैठे थे, ढाई महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने, वहां जाके आप पता करिए, लोग कहेंगे कि किसान ने अपना भी हमारे साथ अपने साथ साथ हमारा भी भोजन का इंतजाम यहाँ पे जहाँ पे बैठे उन्होंने किया है। इनकी बात पे इसीलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से 200 लाशें, लगभग 194 लाशें जब वापस गई, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है कि हर आंदोलन में सरकार झुकी थी, चाहे ब्रिटानिया सरकार हो या आजाद भारत की सरकार। एक और वजह से आंदोलन अलग है, चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन हो 1905 का, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो बरदोली का आंदोलन हो गुजरात का, किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नहीं करी जितने इस आंदोलन में जुर्बान किसान कर। इस घटना के बाद निर्दोष लोगों पर को निशाना बनाया गया, झूठे मुकदमे किसान पर, पत्रकारों पर, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका, साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे, किसान की आवाज को कुचलने के लिए प्रचार तंत्र हमलावर हो गया, देशद्रोही बताया गया, कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं, जो बाप यहां बैठा है जिसको गद्दार बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है, अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है, मैं सदन से पूछना चाहता हूं। देश के लिए 40% मेडल, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी लाने का काम करते हैं, जब उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। इस कर किसान एक लाख का